हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम जनरल नॉलेज के फेमस पीपल इस सब टॉपिक के ऊपर सेकंड क्विज लाए हैं। अब तक हमने फर्स्ट क्विज कंप्लीट कर चुके हैं, इस सेकंड क्विज है फेमस पीपल इस सब टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज पंडित रविशंकर फेमस फॉर प्लेइंग। पंडित रविशंकर किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए फेमस है? ऑप्शन नंबर 1 गिटार, ऑप्शन नंबर 2 सितार, ऑप्शन नंबर 3 सरोद, ऑप्शन नंबर 4 इज वीणा। तो पंडित रविशंकर किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए फेमस है या फिर प्ले करने के लिए फेमस है? ऑप्शन नंबर 1 गिटार, ऑप्शन नंबर 2 सितार, ऑप्शन नंबर 3 इज सरोद एंड ऑप्शन नंबर 4 इज वीणा। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है, इसको फाइंड करने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सितार। सितार इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पंडित रविशंकर फेमस फॉर प्लेइंग, और द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज पंडित रविशंकर फेमस फॉर प्लेइंग इज सितार। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बिफोर द 60s? 60s से पहले सबसे फेमस प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के यानी कि इंग्लैंड के कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 ग्लैडस्टोन, ऑप्शन नंबर 2 चैम्बरलेन, ऑप्शन नंबर 3 विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर 4 इज डिज़रेली। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, हु वॉज द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बिफोर द 60s? 60s के पहले सबसे फेमस प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 ग्लैडस्टोन, ऑप्शन नंबर 2 चैम्बरलेन, ऑप्शन नंबर 3 इज विंस्टन चर्चिल एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डिज़रेली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास ही पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल वॉज द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बिफोर द 60s, और द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बिफोर द 60s इज वॉज विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु बिकेम फेमस एज द राइटर ऑफ द रुबियत? हु बिकेम फेमस एज द राइटर ऑफ द रुबियत? रुबियत जो राइटर थे रुबियत के, वो फेमस हुए, वो कौन थे? उमर खयाम, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 ऑरहन पमुख, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्टेवियो पाज एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑस्कर विल्डे। तो कौन फेमस हुए राइटर बन के रुबियत के? उमर खयाम, ऑरहन पमुख, ऑक्टेवियो पाज या ऑप्शन नंबर 4 ऑस्कर विल्डे। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उमर खय्याम। उमर खय्याम बिकेम फेमस एज द राइटर ऑफ द रुबियत, और द फेमस एज द राइटर The one who became the famous as the writer of the Rubaiyat was or is Omar Khayyam. Next question. Question number 4. Which famous English archbishop was murdered at Sanbury Cathedral after a fallout with King Henry II? मैं question फिर से दोहराता हूँ. Question number 4. Which famous English archbishop was murdered at Canterbury Cathedral after a fallout with King Henry II. कौन सा famous English archbishop murdered हुआ कहाँ पे? तो Canterbury Cathedral में, किसके बाद? तो fallout with King Henry II, King Henry II से लड़ाई के बाद। ऑप्शन नंबर 1 थॉमस बेकेट, ऑप्शन नंबर 2 सैमुअल बेकेट, ऑप्शन नंबर 3 इज जॉन बेकेट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज रिचर्ड बेकेट। तीन चार में से कौन सा वो फेमस इंग्लिश आर्क बिशप था जो जिनका मर्डर हुआ कैनबेरी कैथेड्रल में
आफ्टर ए फॉलोआउट विथ किंग हेनरी टू, यानी कि किंग हेनरी टू से लड़ाई के वक्त के बाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, थॉमस बिकेट। थॉमस बिकेट इज द फेमस इंग्लिश आर्क बिशप, वॉज मर्डर्ड एट कैनबरी कैथेड्रल आफ्टर ए फॉलोआउट विथ किंग हेनरी टू, और द फेमस इंग्लिश आर्क बिशप मर्डर्ड एट कैनबरी कैथेड्रल आफ्टर ए फॉलोआउट विथ किंग हेनरी टू वॉज थॉमस बिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु अमोंग दिस वॉज अ किंग ऑफ सच इनॉर्मस पावर दैट हिज कर्टियर्स बिलीव दैट ही कुड कंट्रोल द टाइड्स। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, हु अमंग दिस वॉज ए किंग, नीचे जगह में से कौन सा ऐसा किंग था जिसके पास इनॉर्मस पावर थी कि उसके जो कर्टियर्स थे वो ये बिलीव करते थे कि ये जो राजा है वो जो टाइड्स को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि ज्वार को कंट्रोल कर सकता है। टाइड्स को हिंदी में ज्वार कहते हैं और टाइड्स को मराठी इस लैंग्वेज में भर्ती कहते हैं, भर्ती आहुटी इस तरह से, यानी कि वो टाइड्स को कंट्रोल कर सकता है। तो उसके ऑप्शन है कैनूट, वो राजा था नेपोलियन ऑप्शन नंबर 2, थर्ड इज अलेक्जेंडर एंड फोर्थ इज कैसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कैनूट। कैनूट वॉज ए किंग ऑफ सच इनॉर्मस पावर दैट हीज courtiers believed that he could control the tides, or a king of such enormous power that his courtiers believed that he could control the tide was Canute. Next question. Question number 6. Who ruled over the biggest and most powerful empire in the 12th century? नीचे देखे में से किस राजा ने रूल किया बिगेस्ट और मोस्ट पावरफुल एम्पायर, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर एम्पायर को 12th सेंचुरी में, यानी कि 12वीं सदी में सबसे बड़े और सबसे पावरफुल एम्पायर को किसने रूल किया, यानी कि किसने वो चलाया, किस कौन था वहाँ का राजा। ऑप्शन नंबर 1 कुबलाई खान, ऑप्शन नंबर 2 गेंगिस खान, ऑप्शन नंबर 3 सलादीन, ऑप्शन नंबर 4 विलियम द कॉन्करर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 गेंगिस खान। गेंगिस खान रूल्ड ओवर द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द 12th सेंचुरी, और द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द 12th सेंचुरी वॉज रूल्ड ओवर बाय गेंगिस खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्विनस वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मेडिवल। एक्विनस ये ग्रेटेस्ट था ऑल मेडिवल से। ऑप्शन नंबर 1 पेंटर्स, थिंकर्स, पोएट्स या रूलर्स। जो एक्विनस था वो ग्रेटेस्ट था ऑल मेडिवल से, किस में, पेंटर्स में, थिंकर्स में, पोएट्स में या रूलर्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 थिंकर्स। एक्विनास वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मेडिवल इन थिंकर्स, और थिंकर्स इन ऑल थिंकर्स एक्विनास वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मेडिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट द डिवाइन कॉमेडी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स इन द लिटरेचर। नीचे देखे में से किस राइटर ने डिवाइन कॉमेडी ये पोएम लिखी, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स इन द लिटरेचर, यानी कि साहित्य में वन ऑफ द मोस्ट फेमस, यानी कि सबसे अच्छी पोएम में से एक उसे माना जाता है। तो वो किसने लिखी, ऑप्शन नंबर 1 मिल्टन, ऑप्शन नंबर 2 होमर, ऑप्शन नंबर 3 इज डांटे, ऑप्शन नंबर 4 इज
सौ सौ चौर चौसठ चौसठ। तो इन चरम से कौन वो थे जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी ये पोयम लिखी, जो एक पोएम्स में अगर लिटरेचर साहित्य में वो एक माइलस्टोन माना जाता है या फिर वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स उसे कहा जाता है और उसमें वो गिनी जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड डांटे। डांटे रोड द डिवाइन कॉमेडी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स इन द लिटरेचर। और द डिवाइन कॉमेडी रिटन बाय वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स इन द लिटरेचर, हु वॉज रिकग्नाइज एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स इन द लिटरेचर, वॉज डांटे। डांटे इन्होंने डिवाइन कॉमेडी ये पोएम लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु डिजाइन द फेमस कैंपेनाइल और बेल टावर ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल। नीचे दिए गए में से किसने, वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने फेमस कैंपेनाइल और बेल टावर ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल को डिजाइन किया। ऑप्शन नंबर 1 लियोनार्डो द विंसी, ऑप्शन नंबर 2 मिचेंगेलो, ऑप्शन नंबर 3 गिट्टो डी बोंडोन, फोर्थ इज राफेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड गिट्टो डी बोंडोन। गिट्टो डी बोंडोन डिजाइन द फेमस कैंपेनाइल और बेल टावर ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल। और द फेमस कैंपेनाइल और बेल टावर ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल वॉज डिजाइन बाय गिट्टो डी बोंडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज जियोफ्रे चौसर्स मोस्ट फेमस वर्क। जियोफ्रे चौसर्स के सबसे फेमस वर्क कौन सा है नीचे दिए गए में से, जो भी उनकी रचनाएं थी उनमें से सबसे फेमस वर्क किस या फिर उनके किस काम को सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 द कैंटर ब्यूरी टेल्स, ऑप्शन नंबर 2 पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन नंबर 3 ऑडिसे, ऑप्शन नंबर 4 इज लियार्ड। इन चारों में से कौन सा जियोफ्रे चौसर्स का सबसे फेमस वर्क है, यानी कि सबसे बड़ी जो अच्छी फेमस रचना कौन सी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स इज जियोफ्रे चौसर्स मोस्ट फेमस वर्क। जियोफ्रे चौसर्स का सबसे फेमस वर्क कौन सा है तो वो है कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जॉनस गुटेनबर्ग बिकेम फेमस फॉर डेवलपिंग द। जॉनस गुटेनबर्ग ये फेमस हुए किसको डेवलप करने के लिए, डेवलपिंग किस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने के लिए वो फेमस हुए। जॉनस गुटेनबर्ग, ऑप्शन नंबर 1 टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर 2 सबमरीन, ऑप्शन नंबर 3 इज कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 4 इज प्रिंटिंग प्रेस। इन चारों में से किसको डेवलप करने के लिए वो फेमस हुए, जॉनस गुटेनबर्ग। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रिंटिंग प्रेस। जॉनस गुटेनबर्ग बिकेम फेमस फॉर डेवलपिंग द प्रिंटिंग प्रेस। और बाय डेवलपिंग द प्रिंटिंग प्रेस जॉनस गुटेनबर्ग बिकेम फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
Who was the eminent South American novelist who won the Nobel Prize in the literature in 1982? नीचे देखे में से कौन सा वो एमिनेंट साउथ अमेरिकन नॉवेलिस्ट था जिसने नोबेल प्राइज जीता साहित्य में, कब? तो 1982 में। उसके ऑप्शन है कार्लोस कैस्टेनाडा, ऑप्शन नंबर टू गैब्रियल गार्किया मार्क्विज, थर्ड पैब्लो नेरुडा, फोर्थ इज पॉलो लेमिंस्की। तो इन चारों में से कौन वो एमिनेंट साउथ अमेरिकन नॉवेलिस्ट था जिनको नोबेल प्राइज़ मिला साहित्य में 1982 में? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू गैब्रियल गार्सिया मार्क्विज। गैब्रियल गार्सिया मार्क्विज वॉज द इमिनेंट साउथ अमेरिकन नॉवेलिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन द 1982, और द एमिनेंट साउथ अमेरिकन नॉवेलिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1982 वॉज गैब्रियल गार्सिया मार्क्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सेविली इन स्पेन इज फेमस फॉर विच ऑफ दिस फ्रूट्स? सेविली जो स्पेन में है, ये जो शहर है स्पेन में, वो फेमस है किस फ्रूट्स के लिए नीचे दिए में से? ऑप्शन नंबर वन ऑरेंजेस, ऑप्शन नंबर टू ग्रेप्स, ऑप्शन नंबर थ्री इज एप्पल एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज पियर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन ऑरेंजेस। सिविली इन स्पेन इज फेमस फॉर द ऑरेंजेस, और ऑरेंजेस इन सिविली इज फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला मेड मेनी फिल्म्स। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने कई सारे फिल्म्स बनाए, बट दिस फिल्म मेड हिम अ हाउसहोल्ड नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज इट? लेकिन नीचे दिए में से किसी एक फिल्म में उनको हाउस होल्ड नेम दिया, यानी कि बहुत सारा नाम कमाया उस इस फिल्म की वजह से उन्होंने सभी दुनिया में, तो वो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर वन द गॉडफादर, ऑप्शन नंबर टू रोसेमेरीज बेबी, ऑप्शन नंबर थ्री टेन कमांडमेंट्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ बेन हर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन द गॉडफादर। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला मेड मेनी फिल्म्स, बट द गॉडफादर दिस फिल्म मेड हिम अ हाउसहोल्ड नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला मेड मेनी फिल्म्स बट द फिल्म हु मेड हिम अ हाउसहोल्ड नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द गॉडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दिस प्लेसेस इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड? नीचे देखे में से कौन सी प्लेसेस ये जो है वो एसोसिएटेड है वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड, जो बहुत बड़े वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं दुनिया में, उससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर वन वेनिस, ऑप्शन नंबर टू बर्लिन, ऑप्शन नंबर थ्री न्यूयॉर्क, या ऑप्शन नंबर फोर्थ इज कैनेस। तो इन चारों में से कौन से वो प्लेस है जो एसोसिएटेड वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर कैनिस। कैनिस इज द प्लेस एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड। कैनिस एक प्लेस है जो एसोसिएटेड वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म फेस्टिवल्स जो वर्ल्ड में होते हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द फेमस कल्चरल फेस्टिवल सूर्या? सूर्या
ये जो फेमस कल्चरल फेस्टिवल है वो किस सिटी में होता है या फिर सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर वन कोच्चि, ऑप्शन नंबर टू चेन्नई, ऑप्शन नंबर थ्री त्रिवेंद्रम, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज कोणार्क। तो कि इनमें से किस सिटी में इस वेन्यू पे फेमस कल्चरल फेस्टिवल सूर्य सेलिब्रेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम इज द सिटी इन विच द फेमस कल्चरल फेस्टिवल सूर्य वॉज इज सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फेमस बैटल ऑफ वाटरलू मार्क्ड द डिक्लाइन ऑफ विच पावरफुल एम्पायर। नीचे दिए गए में से कौन सा फेमस बैटल था वाटरलू का जो मार्क हुआ डिक्लाइन ऑफ विच पावरफुल एम्पायर? ये जो फेमस बैटल है वाटरलू, ये किस पावरफुल एम्पायर के डिक्लाइन का सिंबल है, यानी कि उसे मार्क किया जाता है, उसे माना जाता है? कैसर, ऑप्शन नंबर टू अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर थ्री नेपोलियन, या ऑप्शन नंबर फोर्थ कैलिगुला। तो जो वाटरलू बैटल ऑफ वाटरलू मार्क किया जाता है किस पावरफुल एम्पायर के डिक्लाइन को? कैसर, अलेक्जेंडर, नेपोलियन या कैलिगुला? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड नेपोलियन। द फेमस बैटल ऑफ वाटरलू मार्क द डिक्लाइन ऑफ विच पावरफुल एम्पायर? नेपोलियन। और द फेमस बैटल ऑफ वाटरलू मार्क द डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन पावरफुल एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शी रोट ओनली वन नॉवेल बट इट मेड हर फेमस वर्ल्ड वाइड। द नॉवेल वॉज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, हु वॉज द ऑथर? इस महिला ने सिर्फ एक ही नॉवेल लिखी पूरी ज़िंदगी में, लेकिन इसी एक नॉवेल ने उन्हें पूरे दुनिया भर में फेमस किया। उस नॉवेल का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कौन नीचे दिए गए में से कौन उस नॉवेल के लेखिका थे, यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये नॉवेल किसने लिखी? ऑप्शन नंबर वन किरण देसाई, ऑप्शन नंबर टू अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर थ्री अरुंधति नाग, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज शिनी एंथनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू अरुंधति रॉय। She wrote only one novel, but it made her famous worldwide. The novel was The God of Small Things, and Arundhati Roy was the author of this novel. Next question. Question number 19. Who was the artist who painted the famous painting Guernica? Guernica or Guernica, ये जो famous painting है, वो किस artist ने paint की? Option number one, Rembrandt. सेकंड ऑप्शन पिकासो, ऑप्शन नंबर थ्री सल्वाडोर डाली, ऑप्शन नंबर फोर्थ गॉगुन। तीन चारों में से किसने गुर्निका ये जो फेमस पेंटिंग थी वो पेंट की, इनमें से किस आर्टिस्ट ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू पिकासो। पिकासो वॉज द आर्टिस्ट हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग गुर्निका। पिकासो वॉज द आर्टिस्ट हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग गुर्निका, और द आर्टिस्ट हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग गुर्निका वॉज पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, दिस प्लेस इज फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विथ मेनी मिस्टीरियस शिपफ्रिक्स, वॉट इज इट कॉल्ड? नीचे दिए गए में से कौन सा प्लेस ये फेमस है इसके एसोसिएशन विद मेनी मिस्टीरियस शिपफ्रिक्स? शिपफ्रिक्स यानी कि मिस्टीरियस, यानी कि अकल्पनीय तेजस्वी।
मिस्टीरियस शिपरेक्स यानी कि जहाज की तबाही के जिसके रहस्यमय मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय जहाज की तबाही में वो फेमस है, यानी कि कई जहाजों की तबाही होते हैं वो रहस्यमय तरीक़ों से या फिर रहस्यमय वजहों से, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर वन बरमूडा ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर टू बहामास ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर थ्री द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्कल एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गैलापागोस आइलैंड्स। तो इसमें से कौन सी वो प्लेस है जो जिस वो प्लेस फेमस है रहस्यमय तरीके से जहाज की तबाही के होने के ऊपर? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन द बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल इज द प्लेस विच इज़ फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विद मेनी मिस्टीरियस शिपरेक्स। ये जो प्लेस है बरमूडा ट्रायंगल वो कई रहस्यमय जहाज की तबाही के लिए एसोसिएटेड है और फेमस है। तो इसी तरह से हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं इस क्विज के। ये फेमस पीपल जनरल नॉलेज के सब टॉपिक फेमस पीपल के ऊपर ये सेकंड क्विज है। फर्स्ट क्विज हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको अगर वैल्यू मिलते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें भी मोटिवेटेड रखिए। खुद भी मोटिवेटेड रहे, हमेशा अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए अपनी स्टडी में। थैंक यू वेरी मच।